सजाने के बहाने किडनैप कर रही है। बहुत हो गया सीधापन, अब टेढ़ा होना ही पड़ेगा। तो बस मैं सजा रही हूँ, ये मेरा तरीका है, थोड़ा इनोवेटिव तरीका है माया को दुल्हन बनाने का। भाई ऐसी पार्लर वाली तो किसी दुल्हन को, मेरे दुश्मन को भी ऐसी पार्लर वाली गलती से भी ना मिले। दुश्मन तो मैं ही हूँ। तो मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने जितना भी सारा मास्टर प्लान आप पे निकाला था, एक ही दिन में सारी कसर धनक ने निकाल ली। इसको पता है ना मेरी वीकनेस क्या है रघु, तो उससे ही कनेक्टेड इसको कोई ना कोई चीज़ करनी थी रिवेंज लेने के लिए। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि एक बार ही ऐसा करो जो सब पे भारी हो जाए, तो बस वही किया है मैंने। एक बार आप यहाँ पे एक वार करिए, बट माई एक और वार आप पे तान के आई थिंक सो खड़े रहने वाली हैं। वो पता चलेगा जब आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा किसने बंदूक तानी, किसने वार किया, कौन जीता और कौन रघु को लेके फरार हुआ, सब आपको पता चलेगा। ओके, सो आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे, दोनों काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, सो लुक के बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। हम दोनों ने प्रॉपर नवारी साड़ी पहनी है, मैंने काफ़ी टाइम बाद नवारी साड़ी पहनी है, जो मेरी पहली शादी हुई थी, जो भी इसकी वजह से टूटी थी वो रघु ने तोड़ी थी यार, जो मैं उसमें बिल्कुल निर्दोष थी। उसमें भी मैंने नवारी पहनी थी, आई लव द कलर, इट्स अ टू शेडेड साड़ी, इट्स रॉयल पिंक एंड रेड, जो दोनों मेरे बहुत फेवरेट है, स्पेशली रेड कलर, सो आई लव माई साड़ी। एंड मेहंदी, यस मुझे मेहंदी की बास बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे ये जो कलर आता है फ्रेग्रेंस, स्मेल इज ऑल्सो बास, सो जो फ्रेग्रेंस होती है वो मुझे नहीं पसंद जैसे दूसरों को पसंद होती है, बट मुझे ये जो कलर आता है वो बड़ा सुंदर लगता है, तो मैंने खास रघु के लिए ये मेहंदी लगाई थी, बट उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी, थैंक्स टू हर। सो बिकॉज मेरे पति की शादी है, तो मैं बहुत अच्छे से सजी हुई हूँ, और आई थिंक अगर मेरी शादी होती तो मैंने नथ भी पहन ली होती, बट बस एक वही कमी है, बाकी मैंने रानी शेड की नवारी पहनी है और जूलरी जूड़ा, आज मैंने पहली बार चांद बिंदी भी लगाई है, जो थानक ने अभी तक किसी भी लुक में नहीं लगाई थी, एंड बहुत अच्छे से सजी हूँ, पति को जला भी रही हूँ और भगा भी ले जाऊँगी। सजने संवरने की बात हो रही है, तो आप रघु को भी सजा रही है, उन्हें भी आप शौक पे शौक दे रही है, इतनी स्वीट बन गई है धना। जो ये लोग चाहते थे मैं वही कर रही हूँ यार, बस थोड़ा अलग तरीके से कर रही हूँ, बार कर तो वही रही हूँ ना, तुम लोग चाहते थे यार, बस तब भी प्रॉब्लम में करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो तुम कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो। थैंक यू, थैंक यू।